getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place, don't. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं अभी पेट्रोल पंप से निकल ही रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी ये गाड़ी का रिव्यू बनाना था, क्योंकि गाड़ी को अपने हो चुके हैं आज 1 साल। उस खुशी के अंदर मैं देख रहा हूँ रिव्यू की, भाई पूरी गाड़ी का जो है अपन लोग एक रिव्यू देते हैं कि गाड़ी कैसे क्या अपनी चलती है, क्या इसमें कमियाँ हैं, क्या इसमें खूबियाँ हैं, है ना। क्योंकि बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि 1 साल का ऑनरशिप सबसे ज़रूरी होता है। ये चीज़ें कोई 2-3 हफ्ते में तो पता लगती नहीं है गाड़ी के बारे में। तो आज कुछ बड़ी बड़ी इसकी कमियां जो है स्कॉर्पियो एन की, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। और अपनी जो स्कॉर्पियो वो अभी चली है 23,811 किलोमीटर चल चुकी है अपनी स्कॉर्पियो एन। अपन पहुंच चुके हैं लोकेशन पर। पर एक बात है, स्कॉर्पियो का अगर रिव्यू देना है तो लोकेशन भी अपने को ऐसी ही चाहिए, जंगल टाइप में। काफी हमने इसे एडवेंचर कर लिया, काफी हम जगह जाके इसे घूम के आ भी चुके हैं और काफी बढ़िया तरीके से गाड़ी चली भी है अपनी। पर मेन जो ओनरशिप रिव्यू होता है वो होता है 1 साल का, कि 1 साल में गाड़ी ने क्या दुख दिया, क्या सुख दिया, जो भी सारी चीजें होंगी आज स्कॉर्पियो के बारे में अपनी बात होगी। इसमें पहुंच तो चुका हूँ, पर लोकेशन पे क्या है, आज हवा काफी आ रही है। हवा के चक्कर में मैं वीडियो प्रॉपर नहीं बना सकता, अगर बना दूंगा तो आप लोगों को पसंद में नहीं आएगी, इसलिए मैं वीडियो का जो आइडिया वो आगे की तरफ कर रहा हूँ कि आगे कभी और कभी बनाऊंगा। यार स्कॉर्पियो में वैसे कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर, थोड़ा बहुत इसका रिव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ। मेरे को सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम आई इनके स्पीकर्स में आई थी एक बार, जो कि एक चर चर की आवाज़ सी आती है कई लोगों, कई स्कॉर्पियो ओनर्स के लिए आई होगी ये भी। तो उसमें होता क्या है कि गाड़ी को लगभग आधे घंटे के लिए बंद कर दो या 15-20 मिनट के लिए बंद कर दो, वापस सही हो जाती है। पर वो ये ना, आप 26.5 लाख रुपये को किसी गाड़ी के देते हो और आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ता है, आप लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि यार क्या दे दिया हम लोगों ने, कहाँ पैसे लगा दिए। तो ये मेरे को फर्स्ट टाइम तो मेरे आई थे, मेरे को ये लगा था। एक बार क्या होता है, इसके जो मीटर वगैरह है, स्क्रीन वगैरह, ये चालू नहीं होते। गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, गाड़ी आप 1 किलोमीटर तो चला लोगे, तब तक ये ऑन नहीं होते, तब तक सुई की सुई गिर जाती है इसकी, ना स्क्रीन चालू होती है ना और कुछ। ये अब फिर तब जब फर्स्ट टाइम होती है तो आप लोगों को काफ़ी वो डर सा लगता है कि हुआ क्या गाड़ी के अंदर। एक दो बार होती है फिर बाकी यूट्यूब वगैरह पर देखते तो फिर सोचते नहीं है तो ऐसे होगा। पर वो है ना कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए गाड़ियों के अंदर। अगर ऐसे छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मैटर करती है स्कॉर्पियो एन के अंदर, क्योंकि भाई टोयोटा की अपने पास फॉर्चुनर भी है, महिंद्रा की अपने पास थार भी है और मारुति की अपने पास स्विफ्ट भी है। इन तीनों गाड़ियों में कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई। लोगों ने काफ़ी सनरूफ लीकेज होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फॉर्म लगा दिया है अब तो महिंद्रा ने इसके अंदर, क्योंकि अरुण पवार की वीडियो में लोगों ने काफ़ी उसको हेट दिया था महिंद्रा को, भाई पानी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो महिंद्रा ने उसको क्लियर भी कर दिया और दूसरी बार इसमें फॉर्म भी लगा दिए। बाकी सनरूफ में मेरे को और कभी प्रॉब्लम लगी नहीं, बाकी सब कुछ अच्छा है गाड़ी के अंदर। दो ही चीज़ें मुझे सबसे खराब लगती है इंटीरियर के मामले के अंदर, एक तो इसका कई बार स्क्रीन गायब हो जाती है, दूसरा जो है इसके मीटर वगैरह चालू नहीं होते और स्पीकर्स जो कभी कभी इसमें गड़बड़ करते। जब मैं ले रहा था स्कॉर्पियो तो मुझे लगा था इसकी सीट्स वगैरह भी ऐसे होगी जैसे पहले कंफर्टेबल नहीं थी, पर इसकी सीट वगैरह कंफर्टेबल है, पुरानी वाले से बहुत बढ़िया कंफर्टेबल तरीके से है। कितना भी आप इसको घुमा लो कर लो कोई दिक्कत नहीं आती, बस दिक्कत यही है अगर आपको गाड़ी मचकानी है, गाड़ी आपको तोड़नी है करनी है तो आप स्कॉर्पियो मत लो, क्लासिक लो। अगर आप स्कॉर्पियो लोगे तोड़ने के लिए तो भाई सही बता रहा हूँ खूब खर्चा मांगेगी। मेरे जो ब्रेक पैड थे वो 10,000 रुपये चेंज हुए थे, आप समझ लो कितने भयंकर तरीके से मैंने मचकाया था गाड़ी को, तो उस चक्कर में 10,000 मेरे जल्दी एयरबैग। अगर आपको गाड़ी को आराम से चलाना है, कंफर्ट के लिए चलाना है, फैमिली के लिए लेनी है, तो ये गाड़ी आपके लिए काफी बढ़िया बेस्ट गाड़ी है। स्कॉर्पियो से कोई अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी आपको इस प्राइस के अंदर। तो भाई वापस मैं आ चुका था पेट्रोल पंप पे, अभी मैं पंप पे ही हूँ और मैंने आके यहाँ पे देखा कि यार ये देखो इतने सारे वीडियोज जो है लोगों ने अपने चैनल से उठा के लगा रखे हैं, इन सबको मैंने स्ट्राइक दे दी है। और भाई अगर तुम मुझे कोई वीडियो देख रहे हैं ना तो भाई ये भी देख लो कि ये जल्दी तुम पे और पड़ने वाली स्ट्राइक मेरी। तो भाई ये चीज़ें गलत है, जो मेहनत कर रहा है उसको पता है कि उस पर क्या बीतती है, जब उसका जो कंटेंट है वो दूसरे लोग चुरा रहे हैं अपने उस पर कर रहे हैं पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है भाई। तो ऐसा कुछ है भाई, अगर आप लोग उनमें से कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है तो भाई आपको मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो ये कॉन्टेंट कॉपी कर रहे हो मेरा, ये मत करो, खुद का कॉन्टेंट लेके आओ, खुद पोस्ट करो, तब आपका कुछ होगा। अगर करो तो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से स्ट्राइक पर स्ट्राइक दूंगा, उससे कोई लेना देना है नहीं, बाकी तुम्हारी इच्छा है भाई लोगों। और सबसे बड़ी बात भाई फेसबुक वाले भाई के लिए थोड़ी बहुत शर्म कर ले मेरे भाई, 32 सेकंड की जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हो ना उसमें मेरा पूरा एक दिन लगता है बनाने के लिए, कैसे क्या सोचना है, कैसे क्या अपलोड करना है, क्या टेक्स्ट करना है, क्या नहीं डालना, क्या नहीं करना, सब मेरी एडिट होती है भाई, और तुम सीधा कॉपी पेस्ट करके डाल रहे हो। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो, ये चीज़ें गलत हैं, इन चीज़ों को बंद करो भाई, नहीं तो मतलब वही बात है ना, तुम अपलोड तो कर दोगे, अपलोड तो और कर दोगे तुम वीडियो, पर तुम्हारी फेस वैल्यू क्या बन रही है, तुम क्या बन रहे हो, फेस वैल्यू बनेगी मेरी बनेगी,
और मैं ऐसा हूँ, मैंने इस चीज को पकड़ लिया तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। मैं आज यहाँ से चलाऊँ तो 100K तक पहुँच रहा हूँ, फिर 1 मिलियन में पहुँचूंगा जल्दी जल्दी। ये था आज के ब्लॉग में, बाकी स्कॉर्पियो का रिव्यू बाद में दूंगा, अगले ब्लॉग में दे दूंगा मैं। आज तो आपको बताया था हवा वगैरह चल रही थी वहाँ पे। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, आज के लिए इतना ही था भाई। कल के लिए वीडियो में आपको मैं स्कॉर्पियो का रिव्यू दे दूंगा, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, बाकी कॉन्टेंट कॉपी मत करो भाई, बिल्कुल मत करो, बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई। ठीक है भाई, ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।